वेल गाइस वेलकम टू WHG। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले काफ़ी सारे अपडेट्स के बारे में, तो ये वीडियो होने वाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि रिलेटेड है रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रिसेंट में रैंडी ऑर्टन के पूरे 20 साल पूरे हो चुके हैं WWE में, यानी कि पूरे साल 2002 से लेकर साल 2022 तक 20 साल पूरे हो चुके हैं रैंडी ऑर्टन के WWE में। तो दरअसल होता है कि रैंडी ऑर्टन एक रिसेंट में इंटरव्यू देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि वहां पर वो जॉन सीना के बारे में बात करते हैं, और वहां पर वो कहते हैं कि वो जॉन सीना को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जॉन सीना फिर से अपना रिटर्न कर ले। वो ये भी कहते हैं कि जब जॉन सीना WWE में फुल टाइमर थे तब उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, और उन्होंने ये भी कहा है कि जॉन सीना से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। यानी कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो बेली को लास्ट ईयर इंजरी हो गई थी जिसके कारण उनको WWE से जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने रिसेंट में हिंट किया कि वो अपना रिटर्न करने वाली है। रिटर्न के बाद वो वुमेंस टाइटल के लिए शूट करने वाली है, ऐसा उन्होंने हिंट किया ट्विटर पर, जिससे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अभी देखना होगा कि बेली कब अपना रिटर्न करती है। करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि रिलेटेड है सेंटिनो मरेला के बारे में। तो सेंटिनो मरेला फॉर्मर WWE सुपरस्टार रह चुके हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो WWE में रिटर्न करें, लेकिन एज ए रेसलर नहीं। तो वो चाहते हैं कि जब वो WWE में रिटर्न करे तो वो एज ए रेसलर रिटर्न ना करे, बल्कि एज ए कमेंटेटर रिटर्न करे, ऐसा वो चाहते हैं। वैसे अगर सेंटिनो मरेला कमेंट्री करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा बैट मैके पे, और सेंटिनो मरेला की कमेंट्री देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट पर जो कि रिलेटेड है मुस्तफ़ा अली के रिटर्न के बारे में। मुस्तफ़ा अली को काफ़ी समय से हमने टेलीविज़न पर नहीं देखा है, और बीच में उन्होंने WWE से अपने रिलीज़ के लिए भी कहा था, लेकिन WWE ने उनको रिलीज़ देने से मना कर दिया था। लेकिन अब अपडेट आ रही है कि WWE मुस्तफ़ा अली का रिटर्न करवाने वाली है, और ये अपडेट आ रही है कि मुस्तफ़ा अली कल के मंडे नाइट रॉ में रिटर्न करने वाले हैं। मुस्तफ़ा अली के साथ साथ आस्का का भी यही न्यूज़ है कि वो भी कल के मंडे नाइट रॉ में अपने रिटर्न करने वाली है। अभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है कि मुस्तफ़ा अली अपने रिटर्न करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट कन्फर्म ही हो चुका है कि कल मुस्तफ़ा अली अपने रिटर्न करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो तक थे, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए बाय दोस्तों।